आप मानते हो क्या कि ऑपोजिशन की जो कज का ये इसमें सिर्फ एंटी नेशनल है? क्या आप उद्धव ठाकरे को, राहुल गांधी को, ये अरविंद केजरीवाल को, इन सबको आप एंटी नेशनल मान रहे हो? देखिए, जो एंटी नेशनल लोग जो है, बम ब्लास्ट करने वाले कौन है? क्या देशभक्त है? हजारों लोगों को मारने वाले कौन है? देशभक्त है? पाकिस्तान के गुणगान गाने वाले कौन है? देशभक्त है? ये कांग्रेस का हाथ अभी पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, ऐसे बात करने से तो लग रहा है, और उनके साथ बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र, जिन्होंने कभी भी एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। हम उनके विचारधारा के लोग हैं, हमें सत्ता ये वो सब कोई बिल्कुल लालच नहीं मोमाया। हमने तो मंत्री होने के बावजूद छोड़ दिया था, सत्ता को ठोकर मार दी थी, हमें क्या मालूम क्या होगा। लेकिन हम कभी भी बाला साहब ठाकरे जी के विचार सत्ता के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज जो आपने बात कही, आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज क्या लेवल पे उतर गए, ऐसी कभी ऐसा कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं था। क्या भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या शब्द प्रयोग हो रहे हैं, दिन रात मोदी को गालिया, दिन रात एकनाथ शिंदे को गालिया, उठते बैठते सोते उठते एक ही बात। अच्छा एक बात बताइए शिंदे जी, असलियत को कभी तो मान्य करो। मेरा सवाल यह है कि रीजनल पार्टीज जो हैं और जिस तरीके से नेशनल पार्टीज रही हैं, रीजनल पार्टीज को आपको लगता है कि आप कि हमेशा एक डर रहेगा कि कभी भी आपको कहा जा सकता है कि आप मिल जाइए, आप इनसे मिल लीजिए? बिकॉज एक तरीके मोदी जी की ने एक रैली में कहा भी था, उन्होंने कहा था कि ऑफ कोर्स उद्धव ठाकरे की को मिल जाना चाहिए कांग्रेस के साथ, और एनसीपी शरद पवार को मिल जाना चाहिए। मतलब ये ने, क्या ने, है ये? पवार साहब ने कहा था कि प्रादेशिक पार्टियां कांग्रेस में विलीन हो जाना चाहिए। कब कहते नेता लोग? और पवार साहब बोले हैं, मतलब सबको सोच समझ के सबको पूछ के बोले होंगे। जब पार्टी की ताकत कम होती है, पार्टी का शक्तिपात होता है, कमजोर हो जाती है, तब बड़े पार्टी में शामिल होने की बात होती है ना। इसका मतलब उन्होंने कबूल किया है उनकी पार्टी कमजोर हो गई है, इसलिए कांग्रेस का सहारा ले लो, उन्होंने कहा है। नहीं, मोदी जी ने भी उन्होंने कहा, उसके बाद मोदी जी ने कहा हाँ, जवाब में कहा था उन्होंने। तो आपको लगता है लेकिन बीजेपी जिससे मैमथ वर्ल्ड की नंबर वन पार्टी और उसकी इतनी सत्ता की धमक, उसमें रीजनल पार्टीज का क्या होगा? आपको लगता है कि आप अपने आप को और बढ़ा पाएंगे या क्यों, क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है, हमारी विचारधारा सेम है। उनको ये जो बाकी पार्टियां है, ये इनको जेलसी है, ये खुद की जो दिल की इच्छा है, मोदी जी जाना चाहिए जाना चाहिए जाना, यही सब नरेटिव सेट कर रहे हैं, ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं जनता में। मोदी जी को चाहते हैं, कल का रोड शो देखो, हजारों लोग, किसको बुलाया नहीं था, खुद ब खुद आए थे, चेहरे से तो पता चलता है ना, जबरदस्ती वाला मामला और दिल वाला मामला। तो ये तो 10 साल में जो काम किया है वो तो बोलेगा ना काम उनका। तो ये सब जो है, कुछ चंद लोग है वो ये सब परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन 2014 में भी उन्होंने किया था, 2019 में भी किया था, तब क्या हुआ? 2019 में अपोजिशन लीडर के लिए जितनी संख्या मिलनी चाहिए उतनी हुई क्या? नहीं हुई। उससे ज़्यादा अभी 2024 में गालियाँ दे रही है। जितनी गालियाँ वो देंगे, जितनी गालियाँ बकेंगे, उतने लोग जुड़ते हैं उनके साथ, ये समीकरण बन गया। मतलब पूरा मोदी जी के ऊपर दारोमदार है इस बार पूरा चुनाव जीतने का, क्योंकि उन्होंने काम किया है, हमारी सरकार ने 2 साल काम किया है, किसान हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ हैं, हमने कितनी योजनाएं की, युवाओं को नौकरियां दी, सीनियर सिटीजन का ख्याल रखा है, हमने इतने निर्णय लिए हैं, और ये जितने प्रोजेक्ट सब जगह शुरू है, तो लोग किसको कहाँ वोट देंगे? काम करने वाले को,
या घर बैठने वाले को। इस बार वोट की संख्या जो है प्रतिशत वो घटती हुई नजर आ रही है, उसका कोई इम्पैक्ट आपको लगता है पड़ेगा? नहीं, अभी दूसरे तीसरे चरण में, चौथे चरण में परसेंटेज बढ़ गया है बिल्कुल। एक बात बताइए कि जब आप लोगों के पास जा रहे हैं तो सिर्फ मोदी जी का नाम लेके जा रहे हैं, अपने काम को लेके जा रहे हैं या हिंदुत्व को लेके जा रहे हैं? हम डेवलपमेंट को लेके जा रहे हैं, विकास के मुद्दे को लेके जा रहे हैं। हमने क्या किया है देखो, हमारी सरकार ने क्या किया है देखो, और 10 साल में सेंटर से जो हमारे यह योजना मिली है, जो लाभ मिला है वो देखो, डेवलपमेंट। और मैं बताऊंगा कि देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारे महाराष्ट्र में शुरू है, नंबर 1 के। चलिए, उसमें हम चुनाव लड़ रहे हैं।